चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी कुल्लू मार्ग पर झलोगी टनल के पास काफी बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था, जिस कारण यातायात दो दिन तक बाधित रहा। झलोगी में पहाड़ी से धूप में भारी भरकम चट्टाने और मलबा सड़क पर आ गिरा था, जिस कारण दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा ट्रैफिक जैम लग गया था। इसके चलते जैसे ही पिछले दिन शाम 4 बजे झलोगी के पास रास्ता खुला तो सबसे पहले कुल्लू की तरफ से गाड़ियों को निकाला गया और रात को सुरक्षा की दृष्टि से यातायात बंद रखा गया। आज सुबह लगभग 6 बजे पंडो मंडी की तरफ से कुल्लू मनाली की तरफ गाड़ियों को भेजा गया। जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी सागर चंद्र ने बताया कि पंडो मंडी की तरफ कुल्लू जाने वाली लगभग 1800 गाड़ियां फंसी है और अभी कुल्लू की तरफ से आने वाली लगभग 2000 गाड़ियां हैं जिन्हें अभी भेजा जा रहा है। यह ट्रैफिक क्लियर करने के बाद ही पंडो की तरफ से कुल्लू को गाड़ियां भेजी जाएंगी। जैसा कि 29 अगस्त की रात से 10 बजे से ये बंद पड़ा हुआ था, तो पिछली रात थोड़ा सा ठीक हुआ था, तो थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए ट्रैफिक को छोड़ा जा रहा है झलोगी टनल से। तो अभी तो ट्रैफिक का ऐसे था कि सुबह जो है जितना भी मंडी साइड का ट्रैफिक था उसको क्लियर किया गया, सारा तो नहीं हो पाया, अभी भी काफ़ी कम से कम 1800 व्हीकल यहाँ दोबारा से लग गया है। लेकिन कुल्लू पनारसा साइड बहुत सारा ट्रैफिक जो है हो गया था, 2000 से ऊपर गाड़ी हो गई थी, तो उनको अभी चालू किया गया। जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पंडो से मंडी की तरफ जा रहा है। जो पंडो का आप वैकल्पिक मार्ग पूछ रहे हैं वो अभी PWD ने काफ़ी अच्छा कर दिया है और लोड ट्रक उसमें निकल रहे हैं, तो अब गाड़ियां फंस नहीं रही हैं वहाँ पे। लेकिन ये तभी तक है जब तक बारिश नहीं होती है, तो आज चूंकि बारिश का भी फोरकास्ट है लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं है फॉर्चुनेटली, तो हमें उम्मीद है कि ये ठीक चलता रहेगा। झलोगी अगर ठीक हो जाए तो ये ठीक से चल पड़ेगा। एक जो पोर्शन बीच वाला है 10 किलोमीटर का कैंची मोड़ से लेकर झलोगी टनल तक, तो वो भी मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो डबल लेन हुआ करता था, उस डैमेज हो गया उसका, तो सिंगल लेन हो गया, लेकिन 80% उसको PWD ने अभी डबल लेन कर दिया है, तो ये भी डबल लेन हो जाएगा। तो ये झलोगी वाला पॉइंट ठीक होते ही ये ट्रैफिक सुचारू रूप से चलेगा, स्मूथ फ्लो अभी चला हुआ है। लेकिन ये जो है अभी व्हीकल इतने ज़्यादा हैं मंडी साइड और कुल्लू साइड, पिछले 2-3 दिन जो बंद रहा है उसके कारण बहुत ज़्यादा गाड़ियां जमा हो गई हैं दोनों साइड, तो अभी इनको क्लियर करने का जो है वो काम चला हुआ है बारी बारी से। तो अभी कुछ टाइमिंग्स के बारे में नहीं बताया जा सकता, जब ये गाड़ियां क्लियर हो जाएंगी तो नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी तो हम टाइम स्लॉट्स जो है वो नए सिरे से बताएंगे। तो मंडी कुल्लू सर डबल लेन हो चुका है? मंडी और पंडो भी अभी डबल लेन सारा नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह सिंगल लेन है तो काम चला हुआ है, तो काम चला हुआ उसमें भी अभी वक्त लगेगा इस पूरे स्ट्रेच को डबल लेन होने में, तो अभी इसमें दिखते हैं। थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पंडोर से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।